अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए आज हम Redmi Note 8 Pro लेके आए हैं, जिसका करेंगे रिव्यू। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। भाई ने बोला करने का तो करने का। अच्छा जी, अगर हम Redmi Note 8 Pro की बात करें तो ये जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 24 सितंबर 2019 को, ये लॉन्च हो गया था ऑफिशियली मार्केट में, ये जो है अवेलेबल था। उसके अलावा ये आ गया जी इसका बॉक्स, जिसके ऊपर Redmi Note 8 Pro क्लियर वर्डिंग में सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर हम नीचे वाली साइड जाएं तो इसकी रैम लिखी हुई है जी 6 GB रैम, 128 GB इसकी जो है इंटरनल स्टोरेज है। उसके अलावा हम चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है जी हमारा जो है फ़ोन है। ये आ गया जी फ़ोन हमारा, जिसकी कुछ लुक इस तरह से है। तो अगर हम अपने फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन इसकी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम फ़ोन की जो है इसके बॉडी की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो मेन कलर है, जो बैक पे इसका कलर है, वो है जी स्काई ब्लू कलर है। उसके अलावा इसके जो मिड में कैम लगे हुए हैं, ट्रिपल कैम इसका डिज़ाइन है, 64 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, उसके साथ में बिल्कुल LED फ्लैश है। और कैमरा के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट है। ये काफ़ी एक इसकी प्रीमियम सी लुक है इस फ़ोन की। अगर बिल्कुल नीचे वाली साइड चलते हैं तो Redmi का जो है इधर लोगो लगा हुआ है। उसके अलावा अगर हम इस फोन के राइट साइड पे चलें तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन दिए हुए हैं, साथ उसके जो है नीचे स्क्रीन ऑफ ऑन का बटन है। और बिल्कुल अगर नीचे वाली साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। उसके अलावा मिड में इसके चार्जिंग स्लॉट है, सी टाइप इसको चार्जर लगता है, और साथ 3.5 mm का जैक है। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे इसमें सिम स्लॉट दी हुई है। अच्छा जी, अगर हम इसके मेन कैमरा की बात करते हैं तो ये 64 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, फ्लैश लाइट प्लस HDR विद पेनोरामा है। उसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले की तरफ चलें तो 6.53 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, और प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 5 इसकी प्रोटेक्शन है। और इसकी जो मेन लुक है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये फ़ोन है। उसके अलावा जो इसमें सिम डलती है वो है माइक्रो SD सिम है, और इसका वेट काफ़ी सॉलिड है, सॉलिड फ़ोन है। इसका थोड़ा जो है वेट ज़्यादा है दूसरे फ़ोन जो हमने और किए थे, वीवो S1 या Note 7, उसके हिसाब से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। इसका वेट 200 ग्राम इसका वेट है। उसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी 4500 mAh इसकी लिथियम की बैटरी है, और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 9.0 इसका एंड्रॉयड वर्जन है, और ये जो है अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 11 का। MIUI जो है 12.5 तक ये अपग्रेडेबल है। उसके अलावा हम अगर इसको ऑन करते हैं, चलते हैं अपने फ़ोन को करते हैं जी सबसे पहले ऑन, इसके हम कैमरा वगैरह, कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी, रेजोल्यूशन वगैरह इसकी चेक करते हैं फ़ोन की। तो जी चलते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ और इसको करते हैं हम ऑन। अच्छा जी, हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन। इसके स्टार्टिंग टाइम चेक करते हैं, कितने टाइम में ये स्टार्ट हो जाएगा। Redmi ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जी पावर्ड बाय MIUI एंड्रॉयड। और अभी हम फ़ोन काफ़ी जो है हमारा फ़ोन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। उसके अलावा जी ये आ गई है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी, इसकी जो रेजोल्यूशन है काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके अलावा अगर हम फ़ोन के अंदर चलें, इसके कैमरा वगैरह, सबसे पहले हम इसका टच पैड चेक करते हैं। इसका आप देख सकते हैं जो टच है काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो जी ये आ गया इसका कैमरा, हम इस पे लेते हैं जी इसकी एक पिक्चर। कुछ इस तरह की इसकी जो है कैमरा क्वालिटी है। इसको मैं दूंगा जी 8/10 इसको रेटिंग दूंगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कैमरा की इसकी। उसके अलावा अगर हम सेल्फी कैम की बात करें, 20 मेगापिक्सल इसका जो है फ्रंट कैम है, जो 1080p पे वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर लेते। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसमें गेमिंग की बात करें तो ये एक गेमिंग फ़ोन भी है, क्योंकि इसकी जो रैम और इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छी है। ओबियसली ये 6/128 है, 6 GB इसकी रैम है, 2 GB इसकी वर्चुअल रैम भी है जो एक्सटेंडेबल है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 6 GB इसकी रैम है और 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है।
तो गेम इसमें जो है आप कोई गेम भी इजीली डाउनलोड करके स्मूथली ये रन करेगा फोन, स्मूथली इसमें आप गेम खेल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी हमारी, और चैनल को तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक